जी आपकी गिल्ट इससे कम हो जाएगी क्या? मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए। वैसे ही वो काम शुरू कर मेरा दो निवेदन, उनको। आपने आपने स्वयं ही कहा अच्छा, कि मैंने कहा मैं नहीं, कानून नहीं लिख रही हूँ, उनको नहीं समझा सकती। मैं कंप्लेन पढ़ता हूं। कंप्लेन में भी तो तो बताएगा, कंप्लेन में भी तो बताएगा कि मैं 2009 से 2016 सेक्शन तक फाइव क्या लगा कर के रहा था। एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। कौन सा प्रोविजन कह रहा है बताइए ना प्लीज। मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ कि किस प्रोविजन में उस, और अगर ऐसा प्रोविजन था तो आपको कोर्ट के सामने, नीचे कोर्ट के सामने ही देना चाहिए। अपने पास कुछ ज्यादा ऑप्शन थोड़ी है सिवाय इसके कि हम नोटिस इशू करें नोटिस और और अगर इसपे सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। डॉक्यूमेंट तो मैंने सारे फाइल किए हैं सर, आप जानिए मुझे कम से दिख रहा है। मैंने सारे ही फाइल किए हैं। ये कंप्लेन देख लें साहब, ये जो मैंने कंप्लेन लगाई है इसके साथ में तो अभी क्या उनको सुने बिना डिसाइड करेंगे क्या? जी, नहीं ये पेज नंबर 18 में देखे मैंने कंप्लेन। रिवीजन को उनको सुने बिना डिसाइड करेंगे नहीं क्या? नहीं ठीक, मैं इंटरिम रिलीफ के लिए निवेदन कर रहा हूँ, क्या इंटरिम रिलीफ? स्टे के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग में काइंडली स्टे उससे क्या होना है? जी। उससे क्या होना है? चार्जेस फ्रेम चार्ज चार्ज लग गए लगना हैं है सर, फ्रेम। और आगे आगे जाकर के प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक ये एक नहीं ही है कि एविडेंस, फर्स्ट प्रोसीडिंग की आप एक नोटिस नहीं सर्व करा पाएंगे और पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों का कोई बैलेंस तो नोटिस देखिए ना, सर, एक आपको नोटिस सर्व कराना है, उधर पूरा ट्रायल रखा हुआ है, 10 ही हो सर गवाह आपके। नोटिस सिर्फ एक ही, ये कंप्लेनेंट ही एकमात्र गवाह है। आप देख कंप्लेन तो देखे साहब, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये 2009 की परचेजिंग है, 2009 में जब ये बार्ड मेंबर था और ये हम उस समय सीएमओ और अकाउंटेंट थे, तो 2009 में परचेज, एक ट्रैक्टर परचेज करने का प्रस्ताव पारित होता है जिसमें ये रिस्पॉन्ड नंबर 2 साइन करता है एज ए वार्ड मेंबर प्रस्ताव में, और 2009 में ट्रैक्टर खरीद लिया जाता है। इसके बाद 2016 तक ये कुछ भी नहीं करता, कहीं कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं देता, ना किसी पुलिस थाने में ना कहीं। और ये 2016 में अचानक से एक कंप्लेन फाइल करता है कि 2009 में जो ट्रैक्टर खरीदा गया था वो पुराना ट्रैक्टर खरीद लिया गया था और पैसे का गबन किया गया था By these arguments, I'll be impressed. जी। मुझे सुनना है सामने वाले को। नहीं आप सुने, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सुने ही। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि इस पॉइंट को देखें कि 2009 में जो परचेजिंग हुई, इसको उसी दिन से इस बात की पता थी कि क्या परचेजिंग हुई है, सही गलत जो भी। ये 2016 तक बैठा रहता है और 2000 इस बीच में ये कहीं किसी पुलिस ऑफिसर के यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं करता है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं है कि हमने इसका इस पैसे कमी से अप्रोप्रिएशन किया है, और ये 2016 में अचानक तो केवल कंप्लेन। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अपराध को किसी ने समय से उसका जिक्र नहीं आया, खुलासा नहीं हुआ, तो कोई सर अपराध नहीं खुलासा, हुआ। खुलासा ट्रायल नहीं, डिले को क्रिमिनल ट्रायल में कितना आप उस पे ये एम्फेसिस कंप्लेन रखते केस है हैं? सर, ये हाँ कंप्लेन ना, केस है, कंप्लेंट केस भी तो क्रिमिनल ट्रायल बन गया। मैं मान रहा हूं, लेकिन आप ये भी तो आप देखें ये तो समझ के इसको बताइए मुझे कि क्रिमिनल केस में डिले इन रिपोर्टिंग द मैटर किस सीमा तक आपको लाभ पहुंचा रहा है? और किस सीमा तक मतलब वेट किया जा सकता है। आप 2009 की परचेजिंग को सोचें, 2016 में इसमें तो कंप्लेन, कोई डिले का कोई कंसेप्ट ही एफआईआर नहीं नहीं है। है इसमें कोई डिले का कंसेप्ट ही नहीं सर। है इसमें इन इन ऑफेंसेस में, खास मैं तौर से जहां करप्शन। आई क्वाइट सी मैं मान रहा, लेकिन आप सब ये तो देखें कि इसको 2009 में ही पता था कि हमने जो भी लेकिन खरीदा है मुझे गलत खरीदा 2009 में नहीं, उसे और पहले से पता था। है। लेकिन और ये आपने, परचेजिंग आपकी गिल्ट इससे कम हो जाएगी क्या? मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मैं उसकी उसकी बात नहीं तो कर रहा हूं। उसकी मैं सिर्फ प्रेयर आपको नीचे करनी पड़ेगी। सर मैं सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूं, मेरी प्रेयर बहुत जेन्युइन है। मेरा कहना यह आप है कि कंसेप्ट ही ये नहीं समझ रहे हैं मैं शायद। मेरे हिसाब से आप इस पे नहीं जा रहे कि मेरा एक्ट क्या है। आप इस बात पे बात नहीं कर रहे कि सर मेरा एक मेरा कोई तो रोल उसमें था भी कि नहीं मेरा था। कोई आप भी केवल ये कह रहे हैं कि उसको 2009 से पता था, उसने 2016 में सर कंप्लेंट की। सर उसे 2009 में पता हो चाहे उसे 2001 जी में पता हो, अगर आपका, आपके द्वारा अपराध कार्य किया जी गया है वो भी इस तरीके का, कॉग्निजेबल और पनिशेबल जो जी LI तक आ रही है वहां जी पे, जी जी आप उसके लिए, जब इसी में दिया हुआ है, कोड में ही दिया हुआ है कि इसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो है नहीं। मैं जैसे मान आपका
पता चले कि अपराध हुआ, जैसे ही किसी ने क्रिमिनल, जैसे ही पता चलेगा, किसी ने क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर के आए, वैसे ही वो काम शुरू कर। मेरा निवेदन, आपने आपने स्वयं ही कहा। अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं, कानून नहीं लिख रही हूँ माय लॉर्ड। आप मतलब जिस दिन उसको पता चलेगा, फिर उसके बाद जो भी पीरियड, मैं आपको नहीं समझा सकता, मेरे लिए असंभव है। ये वो नहीं है कि सर मेरा मेरा निवेदन तो सुने कि 2009 में हम काम कर रहे थे, उसी दौरान इसको एफआईआर करनी थी, उस दौरान ये वहां सदस्य था, पार्षद था। जाके आपको क्वेश्चन करवा लेनी चाहिए थी कि मैं ये वो प्रोविजन, क्वेश्चन कराने ही तो आए हैं हम, क्वेश्चन कराने ही तो आए हैं आपके पास। प्रोविजन की वजह नहीं, ये तो नीचे ही आप ले आते कि भाई डिले के आधार पे एफआईआर कंप्लेंट सर हमने फाइल किया, उन्होंने नहीं माना, इसलिए आप माननीय न्यायालय के समक्ष है। तो हम तो सुनेंगे तब, आप तब तब जाने तक के के लिए हमको स्टे कर दें, नहीं, ये रिकॉर्ड कर लें असंभव सर। है, असंभव है। इसमें इसमें जो यही तो मैंडेटरी, नहीं समझा पा रही हूँ, पढ़ने इसीलिए प्रोविजन पढ़ करके बताना चाहती हूँ कि डिले का क्या रीजन, क्या हो सकता है इसमें। आप मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिए, डिले का कोई रीजन ही नहीं है इसमें। ये अरे प्रोविजन में मैं कंप्लेन पढ़ता हूँ, तो कंप्लेन में भी तो बताएगा कि मैं 2009 से 2016 तक क्या कर रहा था। ये सेक्शन 5 लगा लेनी चाहिए थी उसको, आपका ऐसा कहना। सेक्शन 5 की बात नहीं, एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए कि 2009 से 2016 तक मैं क्या कर रहा था। ये कहाँ है, ये कहाँ, कौन कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, कौन सा प्रोविजन कह रहा है बताइए ना प्लीज। मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ कि किस प्रोविजन में उस, और अगर ऐसा प्रोविजन था तो आपको कोर्ट के सामने, नीचे कोर्ट के सामने ही देना चाहिए था। सर दूसरी दूसरा एक पॉइंट और है मेरा, ये 190 के अंतर्गत आवेदन पेश कर रहा है, द क्या कोर्ट क्या शैल वन टेक नाइन कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन केवल कुछ कैटेगरीज में है, फॉर जी अदर देयर इज नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब आप कहें कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, वो तो इस प्रोविजन में नहीं दिया हुआ था, मैं आपको जिस प्रोविजन में मिल रहा था वो आप नीचे मूव कर सकते थे। सर मेरा एक जजमेंट है अपने हाई कोर्ट का ही है, जस्टिस राजमोहन सिंह साहब का। उन्होंने ये इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया है कि कंप्लेन केस फाइल करने के पहले पुलिस किस चीज का, किस धारा का, किसी भी धारा का, नहीं, वो तो हाँ मटेरियल है, किसी भी धारा ही तो मटेरियल मैं है। ये पढ़ देता हूं। मैं आप कहें तो इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है 154 और 156 का, इनको पुलिस अथॉरिटी के सामने एफआईआर करनी होगी, थाने में करनी होगी। नहीं काम कॉग्निजेंस नहीं जाता तो एसपी के पास जाएंगे, और एसपी के पास नहीं जाते हैं तो फिर देन दे फाइल दी कंप्लेन, अदरवाइज कंप्लेन नॉट मेंटेनेबल। ये जजमेंट है पहले, नहीं सेक्शन 200 को हटाना पड़ेगा, 200 आप देखें ना, वेरियस जजमेंट ऑफ दिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सर आपको सबसे पहले पुलिस के पास ही जाना आप पड़ेगा, उसको पैरा पढ़ रहे हैं, मैं भी वही पढ़। पैरा 4 आल्सो। ये क्या था, ये थोड़ी था कुछ, जी ये कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी है, ये तो लर्नेड काउंसिल का आर्गुमेंट था, हाँ, आर्गुमेंट ये था, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग नहीं फिर थी। इसको इसको ऑब्जर्व कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, और जजमेंट हैज पास्ड द नहीं, ऑर्डर ये ऑफ तो द आप कर ट्रायल रहे हैं कोर्ट। बहुत ज्यादा, आपको समझाने की मेरी अब कुवत तो नहीं बची। कंप्लेन को ही देख ले साहब, ये कंप्लेन 190 में तो कंप्लेन फाइल ही नहीं होती, 190 हो तो मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना होता है। ये जो मैंने पेज 18 है पेज फाइल किया है, इसमें उनकी कंप्लेन है, वो सेक्शन ही गलत है। 190 में इनने कंप्लेन केस फाइल किया, जबकि कंप्लेन केस 200 में फाइल होगा। 190 में तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं किया है। या तो आप पहली बार मेरी कोर्ट में आए हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं पहली बार बेंच पर बैठी हूँ मैडम मैं शायद। आपको ऐसे स्टे नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड कॉल कर लें, ऐसे नहीं स्टे हो सकता, नहीं रिकॉर्ड कॉल हो सकता है, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। सबसे पहले रिकॉर्ड नोटिस तो हम कर देते हैं, फिर वही बात आएगी कि रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड चाहिए भी नहीं हमें, आप ही को सारा रिकॉर्ड रिवीजन में फाइल हमने करना तो है, फाइल कर दिया है, बस हमने उसी जो पे किया आपको फाइल। बहस करनी है, जो आपने फाइल किया है उसी पे हमें बहस सुननी है, उसी पे हमें ऑर्डर करना है। ठीक है आप जितना फाइल करेंगे बस उतना ही देखेंगे, उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक, नोट ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ विद इन सेवन रिटर्नेबल विद इन 3 वीक्स। सेवन डेज नोटिस भी इशू टू रिस्पॉन्डेंट्स थ्रू आरईडी मोड रिटर्नेबल विद इन 3 वीक्स लेस द मैटर देयर आफ्टर।
रिटर्नेबल डेट में काइंडली फिक्स लॉर्डशिप। थ्री वीक्स।